टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल बढ़ता जा रहा है और खास बात यह है कि हर मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए अब रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। ऐसे में जालंधर के एक सरकारी हाई स्कूल के टीचर ने पंजाबी भाषा बोलने और समझने वाला एक रोबोट तैयार किया है। इस रोबोट का नाम सरबंस कौर रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का पहला रोबोट होगा जो पंजाबी में बातें करता और समझता है। जानकारी के मुताबिक इस रोबोट को हरजीत सिंह नाम के एक शख्स ने बनाया है। हरजीत पठानकोट रोड पर स्थित गांव रोहजड़ी के सरकारी स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हैं। इस रोबोट को उन्होंने पिछले साल कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के समय बनाना शुरू किया था। जानकारी के मुताबिक इस रोबोट को 7 महीनों में तैयार किया गया है। दुनिया के इस अनोखे रोबोट को बनाने के लिए हरजीत सिंह ने बच्चों के खिलौने, कॉपी के कवर, गत्ता, पेन, प्लग और इलेक्ट्रिक वायर्स का इस्तेमाल किया है। इसे बनाने में सिर्फ 50,000 रुपए का खर्च आया है। रोबोट बनाने वाले हरजीत सिंह बताते हैं कि टीचर होने के नाते वो बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले पंजाबी में सरबंस नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार की थी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों को पंजाबी में ट्रांसलेट किया। इसी लैंग्वेज के बेस पर उन्होंने सरबंस कौर नाम का ये रोबोट तैयार किया है। हरजीत सिंह ने इस रोबोट को अपनी पत्नी जसप्रीत सिंह की आवाज दी है। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको सरबंस नाम बोलना पड़ेगा। इसके अलावा आप इस रोबोट में कई तरह के नए फंक्शंस को फीड कर सकते हैं। हरजीत के मुताबिक इस रोबोट का काम अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।